अब इससे जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न जो सामान्यतः भारत में ही पूछा जाता है, और वो प्रश्न है, अगर ये धर्मांतरण करते हैं तो आपको क्या आपत्ति है? क्योंकि भारत का संविधान आर्टिकल 25, एवरीवन हैज राइट टू प्रैक्टाइस प्रीच एंड प्रोपोगेट हिज ओन रिलीजन, आप कैसे मना कर सकते हैं? वो अर्ध सत्य बोलते हैं, हाफ ट्रथ। भारत का कोई भी संवैधानिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ कंडीशंस हैं। इस आर्टिकल 25 का जो बाद वाला हिस्सा है वो मेरे मिशनरी मित्र जानबूझकर सामने नहीं लाते, और उनका सपोर्ट करने वाले लोग उसको छिपाते हैं। कुछ दिन पूर्व वो एक बहुत बड़े चैनल, उसके एक बहुत बड़े एंकर ने मेरे से इसी विषय पर कुछ बातें की, और उन्होंने भी आर्टिकल 25 का जिक्र किया। मैंने कहा, मिस्टर यू आर स्पीकिंग हाफ ट्रथ, बाकी का हिस्सा क्या है? और बाकी का हिस्सा है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ। तुम्हारी धर्मांत प्रोपोगेशन के काम से, अपनी पूजा के कारण से समाज की शांति नहीं खत्म होनी चाहिए, अव्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए, लोगों की मोरालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें उसके अंदर हैं, कंडीशंस हैं। और इस अधिकार को और ज्यादा डिफाइन किया है स्टेंसलॉस केस, स्टेंसलॉस वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया था 76 में, और उस केस के अंदर जो जजमेंट दिया गया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। राइट टू प्रोपोगेट डज नॉट मीन राइट टू कन्वर्ट। धर्मांतरण का मुझे अपना मत, अपनी स्वतंत्रता है, मैं अपनी मर्जी का मत चुन सकता हूं, लेकिन दूसरे को बाध्य नहीं कर सकता। धर्मांतरण कर सकता हूं, मुझे कोई करा नहीं सकता। और करने के लिए भी कई ऐसे हमारे केसेस हैं जो स्पष्ट करते हैं, कन्वर्जन बाय फ्रॉड, कन्वर्जन बाय एल्योरमेंट एंड कन्वर्जन बाय फोर्स, ये सब इलीगल है। धोखे, लालच और बल प्रयोग से धर्मांतरण अगर किया जाता है तो ये गलत है। और मैं आज पूरे दावे के साथ कहता हूं जो महात्मा गांधी ने कहा था, इंडियन क्रिश्चियंस आर राइस क्रिश्चियंस, मुट्ठी भर चावल के बदले। 99% ईसाई वो हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। मैं आज दावे के साथ कहता हूं वो वनवासी जो जंगल में रहने वाले थे, वो मेरे शेड्यूल कास्ट भाई जो दलित बस्तियों के अंदर रहने वाले थे, या मेरे गांव के लोग जो अनपढ़ थे, वो बाइबल को समझकर चर्च में गए हों और ईसाई बने हों, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। ये मैंने चैलेंज पिछले 20 सालों से दे रहा हूं, एक भी नहीं। धोखा दिया गया है। किस तरह के उदाहरण सामने आते हैं, नियोगी कमीशन ने भी वर्णन किया है। स्कूल की बस ले जा रहे हैं, रास्ते में बस खराब हो गई, ड्राइवर को इशारा है, सबको कहा जाएगा अपने अपने भगवान को याद करो। भगवान के हाथ में तो चाबी नहीं है, कोई राम जी चालू करो, कोई शंकर जी चालू करो, अपने अपने भगवान को याद करेंगे। अरे अब मैं तुम्हें नया भगवान बताता हूं, वो पादरी कहता है, कहो जीसस, बस शुरू करो। ड्राइवर को संकेत है, चाबी घूमती है, बस चालू, जीसस की जय, सबका धर्मांतरण। ऐसे सैकड़ों प्रकार हैं जो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को, ये चंगाई सभा धोखा नहीं तो क्या है? पुजारी मंत्र फेंकेगा, कोई पानी डालेगा, ठीक हो जाएंगे लोग। कोई ठीक ना हो तो कहेंगे इसको जीसस पर विश्वास नहीं है, इसलिए ठीक नहीं हुआ। तुमने मदर टेरेसा को क्यों नहीं ठीक कर लिया? जो पिछला पादरी था कि उसको तो पार्किंसन था, उसको क्यों नहीं ठीक कर लिया पिछले पोप को? करोड़ों डॉलर इनके इलाज पर खर्च हुए हैं। या तो उनको जीसस पर विश्वास नहीं था, या वो पूरी दुनिया को धोखा देते हैं चंगाई सभा के नाम पर। तो इसलिए हम देखते हैं कि इन सब कारणों से ही ये धर्मांतरण जो है वो उचित नहीं है। एक बड़ा मजेदार बात है, अच्छा भाई तुम धर्मांतरण करना चाहते हो, कहते हो हमको संवैधानिक अधिकार है, तो फिर घर वापसी का विरोध क्यों करते हो? आज तुमने मिस्टर एक्स को कहा, वो तुमसे प्रभावित हो गया, बन गया ईसाई, कल को उसको समझ में आया मेरी जड़ें तो वहां नहीं है, मैं तो अपनी जड़ों के साथ जुड़ना चाहता हूं, मेरी जड़ें हिंदू धर्म के साथ है, मैं वहां आना चाहता हूं, फिर क्यों उसका विरोध करते हो? क्यों कहते हो कि विश्व हिंदू परिषद अगर घर वापसी का काम चलाएंगे तो गृह युद्ध हो जाएगा? यह धमकी मैंने मेरे को दी है। उस समय परिचय में बताया मैं बजरंग दल का दायित्व था, आसाम में था मैं उस समय, वहां पर वी के नूह नाम के एक बिशप ने यह धमकी दी है
कि घर वापसी करना अगर विश्व हिंदू परिषद ने नहीं रोका तो हम गृह युद्ध करेंगे। संपूर्ण मानवता आज इस धर्मांतरण के कारण त्रस्त है, और यह ध्यान करना, यह केवल धर्मांतरण नहीं है, यह एक युद्ध की घोषणा है। क्यों? क्या कहते हैं? जो लोग धर्मांतरण करने जा रहे हैं उनको नाम देते हैं साल्वेशन आर्मी। वो सेना है तो सेना कोई धर्म के काम करने के लिए तो नहीं जा सकती। संत जाएंगे हमारे यहां। अभी स्वामी निश्चलानंद जी की चर्चा हो रही थी, यहां हमारी एक बहन आई हुई है रुचि, शांति के प्रतीक है, एकदम निश्चल है, जैसा नाम है वैसा ही स्वभाव है। और अभी बात चल रही थी कि अगर वो किसी को डांट लगा दे तो वो बहुत खुशकिस्मत है, जिसको प्यार करते हैं वो उसी को डांट लगाते हैं। वो कहीं पर धर्मांतरण के लिए नहीं जाते, केवल प्यार और शांति का संदेश लेकर जाते हैं, सेना की जरूरत नहीं पड़ती है उनको। क्रूसेडर्स की भर्ती करते हैं, जरा देखिए ये लिखा हुआ है, उनका भर्ती करने का एक पत्रक है, क्रूसेडर्स अलर्ट, जीसस इज स्पीकिंग, गॉड हैज गिवन यू द बर्डन फॉर क्रूसेड्स। क्रूसेड्स का मतलब धर्म युद्ध, सीधे सीधे युद्ध की घोषणा। और किस तरह का लिटरेचर छापते हैं? हेट लिटरेचर, कितना भयंकर है वो। और उस हेट लिटरेचर का मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दूंगा, और वो उदाहरण है ये पोस्टर जो हैदराबाद में एक मिशनरी ने छापा है। पुराना है लेकिन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी है। नीचे एक ब्राह्मण पुजारी, किसके चरणों में? जीसस के चरणों में। यही कल्याण का मार्ग है। क्या यह पुजारी का, हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? ऐसे और न जाने किस प्रकार के लिटरेचर ये लोग छापते हैं, और उनके कारण से वर्ग संघर्ष होता है। अगर कहीं अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, क्या शब्द प्रयोग करते हैं? आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, इट इज द अपॉर्चुनिटी टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स ऑफ सोल। आत्माओं की फसल काटने का यह मौका दिया है तुमको जीसस ने। सेवा नहीं करना है, बाइबल का प्रचार करना है, उनको ईसाई बनने के लिए प्रेरित करना है, यही कहते हैं हमारी सबसे बड़ी सेवा है। और इसीलिए पोप भारत की धरती पर आकर दिवाली के दिन चुनौती देते हैं। ध्यान करना, यह कौन सा धर्म है? पहली सहस्राब्दी, पहला थाउजेंड ईयर्स, पहली सहस्राब्दी में यूरोप पर विजय प्राप्त की, इन्वर्टेड कॉमास, दूसरी सहस्राब्दी में अफ्रीका, वह तीसरी सहस्राब्दी में एशिया पर विजय प्राप्त करेंगे। मैं समझता हूं यह मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़े युद्ध की घोषणा है। यह वर्ग संघर्ष भी निर्माण करते हैं, और केवल वर्ग संघर्ष निर्माण नहीं करते, अगर इनके धर्मांतरण में कोई बाधा डालता है उनको मरवाने में भी संकोच नहीं करते। मैं केवल दो उदाहरण आपके सामने दूंगा। त्रिपुरा के शांति काली जी महाराज धर्मांतरण में बाधा डालते थे। उड़ीसा के स्वामी लक्ष्मणानंद जी महाराज, मैं कुछ दिन पहले उनके आश्रम के वार्षिकोत्सव में गया था, वो खून के निशान, किस तरह से भागे हैं, किस तरीके से वो भागे, मौत से डर कर नहीं थे। काम बहुत बाकी है बच्चों को पढ़ाने का, छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने उनका अंग अंग काट कर किस तरीके से अलग किया गया। ये काम करने वाले हत्यारे हो सकते हैं, कोई धार्मिक नहीं। और लक्ष्य किस तरह का रखते हैं? जोशुआ 2000, मिशन मैंडेट 2000, कुछ और भी चीजें हैं। एक सुंदर राजन नाम के इनके हैं, उसने भी कुछ बोला, चर्च का विस्तार कैसे करेंगे? पहले हर पिन कोड पर एक चर्च बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हर गांव में बनाएंगे, उसके बाद इतनी दूरी पर बनाएंगे कि एक चर्च की घंटी की आवाज दूसरे चर्च में सुनाई दे। जरा कल्पना कीजिए किस तरह की चीजें ये लोग कर रहे हैं। इसलिए जितने भी विश्व के मनीषी हैं, चिंतक हैं, वो सब इस धर्मांतरण के विषय पर चिंतित हैं। हमने कभी नहीं रोका किसी भी ईसाई को चर्च में जाने से। अभी केरल की एक सभा में मैं स्पष्ट शब्दों में कहकर आया, अगर आपके पास चर्च कम पड़ती है तो मुझे बताइए, मैं चर्च बनाकर दूंगा। पहली चर्च भी एक हिंदू राजा ने बनाकर दी थी, तुम जाओ
संडे को छोड़ो, रोज जाओ, पूरा समय चर्च में रहो, कोई रोकता नहीं है। लेकिन तुम जहां एक भी ईसाई नहीं है वहां चर्च क्यों बनाओगे? क्या मुझे वेटिकन सिटी में हनुमान मंदिर बनाने की अनुमति दोगे? अरे वहां हिंदू रहता ही नहीं तो मैं क्यों बनाऊंगा? हनुमान मंदिर हिंदुओं के लिए पूजा का स्थान है, वैसे ही चर्च केवल ईसाइयों के लिए पूजा का स्थान है। अगर वो चर्च ऐसी जगह पर बना रहे हैं जहां एक भी ईसाई नहीं है, समझ लीजिए वो धर्मांतरण के युद्ध की घोषणा है, वो चर्च की घंटियां नहीं, वो युद्ध का नाद है जो वहां पर रहने वाले लोगों को त्रस्त करता है।